teachers and my dear friends. My name is Manvel, studying in class 6. Today is an auspicious occasion where we get a chance to acknowledge the hard work of the teachers who mold the students into future leaders. It is my honor to talk about our dear teachers on this wonderful occasion. We celebrate Teachers Day on 5th of September every year in India. September 5th is marked by the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Teachers are the pillars of our country. It is the day to honor all of them. I take privilege in wishing all our mentors in the school and across the country a very happy Teachers Day. Thank you. सुप्रभात माननीय अध्यापिका एवं अध्यापक और मेरे सभी दोस्तों, मैं ऋषि यादव आज आप सबके समक्ष शिक्षक दिवस पर भाषण देने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी अध्यापिका का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने शिक्षक दिवस पर मुझे मेरे विचार प्रकट करने का मौका दिया। शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना शिक्षक के हम अपने अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आज 5 सितंबर है और इस दिन को हम शिक्षक दिवस हर साल मनाते हैं। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है। वह एक शिक्षक थे और वह अपने छात्रों के अनुरोध पर देश के राष्ट्रपति भी बने। वह देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। यह सच कहा गया है कि शिक्षक एक सभ्य समाज का आधार होते हैं। शिक्षक छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं और उनके व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। यह भी सच कहा गया है कि शिक्षक माता पिता से महान होते हैं, क्योंकि माता पिता सिर्फ हमें जन्म देते हैं और हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन शिक्षक हमें सही व्यक्तित्व के साथ साथ हमारा भविष्य भी उज्जवल करते हैं। इसीलिए हम अपने शिक्षक को कभी नहीं भूल सकते। वे हमें हमेशा उनका प्रेम पूर्वक आदर करना चाहिए। वे हमें हमेशा शिक्षा के महत्व को बताते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। वे हमेशा हमें महान व्यक्तित्व का उदाहरण देकर पढ़ाई करने को प्रेरित करते हैं। वे प्रेरणा के सागर है जो हमें सफलता तक पहुंचने में सहायता करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा शिक्षक के आज्ञा और सलाह को मानना चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति से अच्छे नागरिक और अच्छे नागरिकों से देश महान बनता है। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम अभिषेक कश्यप है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने शिक्षक दिवस पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। माता पिता की मूरत है गुरु, इस कलयुग में ईश्वर की सूरत है गुरु। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस होता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं और शिक्षक हमें सही और गलत का फर्क बताकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन में शिक्षक की इस योगदान के लिए हमें उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। धन्यवाद। नमस्ते मैडम, मेरा नाम कृति है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ शिक्षक दिवस के लिए। हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। शिक्षक हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं जलते हैं, हमें रोशनी प्रदान करते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को अच्छा इंसान बनाने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शिक्षक के बिना हमारा जीवन बिन पानी मछली के समान है। शिक्षक को हम कभी धन्यवाद नहीं कह सकते, क्योंकि
उपकारों का कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आशुतोष यादव है। मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि COVID-19 की वजह से हम विद्यालय नहीं जा रहे। ऐसे मुश्किल समय में मैं जो आप हमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से शिक्षा देती हैं उसे हम अच्छे से ग्रहण करते हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि मैम आप ही मेरा आदर्श है और मार्गदर्शक भी। हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज ट्विंकल, आई रीडिंग फिफ्थ क्लास। हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत में द्विपित राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। दुनिया में विभिन्न देशों में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत देश में 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। हमें अपने शिक्षकों का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ नया सिखाते हैं तथा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। Hello, I am Kriti from 5th Lotus. Today I am going to share my views on Teacher's Day. Good morning, respected principal, teachers, parents and my dear friends. Wish you all a very happy Teacher's Day. Teacher's Day is celebrated on 5th September every year in India. The first Teacher's Day was celebrated in India on 5th September 1962. It is the birth anniversary of Bharat Ratna recipient Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great president, a great scholar and an excellent teacher. Teacher's Day is the best way for students to express love and respect for their teachers. Teacher is the reflection of his or her students. Dear friends, we should always obey our teachers' orders and follow their advice.